हेलो फ्रेंड जय श्री कृष्ण आज देखिए फाइव और सिक्स नंबर के लड्डू गोपाल के लिए हम चोली बता रहे हैं मैं इसमें इस ये प्लेन है और इसमें मैंने बॉर्डर बनाया है प्रोसेस सेम है ठीक है अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना तो देखिए सबसे पहले हमने तो देखिए चोली हमने एक बनाई है और सेम इसी प्रोसेस से हम बनाएंगे दूसरी चोली लेकिन इस पर हमने बॉर्डर नहीं बनाया ये प्लेन है उसमें मैं बॉर्डर बनाना भी बताऊंगी क्योंकि अधिकतर चोली में बॉर्डर भी नहीं बना सकते तो भी चल जाता है तो देखिए पहले लूप लेंगे इस तरह से हमें लूप लेना है अब लूप ले कर इसमें हम एटीन चेन पहले बना लेंगे तो इस तरह से हमें लूप निकालते हुए हम एटीन चेन पहले बनाएंगे बहुत ईजी है आसानी से आप इसको बना सकते हैं तो देखिए हम एट्टी चेन पहले बना लेते हैं अब एट इन चेन बनाने के बाद हमें इसमें थ्री चेन स्किप जैसे छोड़ना रहेगा तो थ्री छोड़ करके फोर वाली चेन में हमें हुक को डालना है और डबल क्रोशिया बनानी है तो हम फोर वाली चेन में हुक डाल के क्रोशिया बनाया तो वन टू तो इस तरह से हम पूरी चेन में डबल क्रोशिया कर लेंगे तो इस तरह से हम देखिए चेन में जाएंगे चेन में लूप लेंगे लूप ले करके हमें ऐसे निकालना है और डबल क्रोशिया बना लेनी है तो ऐसे ही पहले हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे लास्ट में आ गए हैं और ऐसे ही हमें पूरे में हमने डबल क्रोशिया एक एक बार करके हमें रो कंप्लीट करनी थी तो हमने ये कंप्लीट कर लिए तो ये लास्ट में एक बार और बना लेंगे तो हमने ये सिक्सटीन डबल क्रोशिया बना लिए इसमें ठीक है अब हम थ्री चेन लेंगे वन टू एंड थ्री थ्री चेन लेके टर्न करना है टर्न करके हमें वन स्किप करना है और हमें दूसरी वाले में हमें फर्स्ट वाले में फर्स्ट हमें डबल क्रोशिया केवल एक या थ्री चेन जो है वो डबल क्रोशिया काउंट होती है अब सेकेंड वाले में हमें एक बार और इसी लूप चेन में डालते हुए हमें डबल क्रोशिया करनी है तो हर चेन में हमें डबल क्रोशिया टू टू टाइम करनी है केवल आगे और पीछे की डबल क्रोशिया में चेन में हमें डबल क्रोशिया एक बार बनानी है तो देखिए हम हर चेन में जाएंगे दो दो बार डबल क्रोशिया करके हमें ये रो कंप्लीट करना है तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है रो अब हम थ्री चेन लेंगे और थ्री चेन लेकर के टर्न करना है और टर्न करने के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया एक बार बनाएंगे तो ये हमारी दो डबल क्रोशिया हो गई अब एक बार डबल क्रोशिया बनाना है तो एक चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और एक चेन में हमें दो बार बनाना है अब इसमें हम फिर से दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी चेन में फिर से हम दो बार बनाएंगे तो थर्ड चेन में रो में हमें सॉरी हमें हर चेन में एक बार दो बार डबल क्रोशिया बनानी है और एक चेन में एक बार बनानी है तो इस तरह से हम ये रो थर्ड वाली कंप्लीट करेंगे तो एक बार हम एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं एक चेन में एक में हम दो बार बना रहे हैं तो इस तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि हम लास्ट में आ गए यहाँ पे हम डबल क्रोशिया दो बार बना लेंगे और बनाने के बाद अब हमें टर्न करना है तो हम थ्री चेन लेंगे वन टू एंड थ्री थ्री चेन लेके टर्न करेंगे अब इसमें हमें आर्म होल बनाना है तो आर्म होल हम करेंगे तो स्किप करना है हमें तो पहले हम डबल क्रोशिया सिक्स टाइम बना लेंगे तो ये टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स टाइम बना लिया सिक्स टाइम बनाने के बाद अब स्किप करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इलेवन में तो यहाँ पे हमें इलेवन बार डबल क्रोशिया मिड में बनाना है तो हम इलेवन बार पहले बना लेंगे अब देखिए हमें स्किप करना रहेगा तो हम एक बार और बनाएंगे और अब स्किप करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन स्किप करके इलेवन वाले में हमें डालना है और इलेवन में डालते हुए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया सिक्स टाइम कंप्लीट करेंगे आप ऐसे इजी वे में ही चोली बना सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी नए नए मैं डिज़ाइन बताऊँगी तो देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया है अब हमें इसमें जो कमर है वो बनाएंगे उसके लिए हम थ्री चेन लेंगे थ्री चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है तो हर चेन में हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है कल आर्म होल में हम एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे जैसे अगर जिसकी टाइट होती है तो ढीली रहेगी टाइट नहीं हो पाएगी ये चोली ईजली आ जाएगी सिक्स नंबर के लड्डू गोपाल को आसानी से आ जाएगी तो यहाँ पे हम देखिए मिड में ऐसे करके एक डबल क्रोशिया लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया एक बढ़ा लेंगे और सब में फिर से हम डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बना लेंगे हर चेन में जाते हुए और फिर आर्म होल आएगा उसमें भी हम ऐसे ही एक बढ़ा लेंगे अब देखिए बनाने के बाद इसको हमें अटैच करना है तो हम यहाँ से दूसरे वाले पार्ट को लेंगे और यहाँ पे हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से तो हमारी चोली कंप्लीट हो गई है अब इसमें हम बॉर्डर बताएंगे और इजिली आप ऐसे प्यारी सी देखिए चोली बना सकते बहुत ही कम समय में देखिए बन के कम्प्लीट हुई है पहले बॉर्डर बनाना बताएंगे देखिए अब तो हम चोली का बॉर्डर बनाएंगे तो हमने लूप ले लिया है हुक में अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया दो दो बार हमें हर डबल क्रोशिया में कंप्लीट करना है तो इस तरह से कंप्लीट किया थ्रेड जो एक्स्ट्रा है उसको हम वर्क में ही ले लेंगे और फिर बाद में कट कर लेंगे तो ऐसे हमें जितनी भी हमने डबल क्रोशिया बनाई है रो बनाया है उसमें हमें सिंगल सिंगल क्रोशिया करते हुए रो को कंप्लीट करना है तो ये देखिए हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर जाएंगे और वहाँ सिंगल क्रोशिया दो बार करेंगे इससे प्यारा सा ये बॉर्डर आता है लुक अच्छा आता है तो और एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको हम कट करके निकाल लेंगे अब देखिए फिर से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हमने बनाया अब फ्रंट में कोने पे ऊपर आए हैं यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया दो चेन दो सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करना है तो यहाँ से देखिए एक बार सिंगल क्रोशिया बना ली एक बार और बनाया फिर दो चेन लेंगे एक दो दो चेन लेने के बाद अब यहाँ फिर से हमें इसी जगह सिंगल क्रोशिया दो बार करना है एक बार किया फिर एक बार और किया तो ये दो बार हुआ दो बार करने के बाद अब देखिए हम जब ऊपर आएंगे नेक पे तो हमें वन स्किप करना है चेन को और दूसरे वाले में हमें सिंगल क्रोशिया दो बार बनाना है फिर वन स्किप करेंगे और आ, सिंगल क्रोशिया दो बार बनाएंगे। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरा नेक कंप्लीट करना है तो हम पहले हम फ्रंट में आ जाते हैं फिर आपको बताते हैं तो देखिए हम फ्रंट में आने वाले हैं तो ला हम लास्ट में आ गए यहाँ फ्रंट में अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हम दो बार करेंगे और फिर टू चेन लेंगे और टू चेन लेने के बाद फिर से इसी में हमें सिंगल क्रोशिया करना है इससे नेक का जो कोना होता है वो बन जाता है और लुक अच्छा आता है चोली का अब देखिए हम फिर से डबल क्रोशिया में आएंगे और यहाँ पे दो दो बार हमें डबल क्रोशिया करते नीचे तक रो कंप्लीट कर लेना है प्रोसेस जैसे हमने शुरुआत में स्टार्ट किया था सेम वही प्रोसेस है हमें लास्ट में इंड करना है तो अब ये ऐसे करते हुए फिर हम थ्रेड कट कर लेंगे अब लास्ट में आ गए यहाँ सिंगल क्रोशिया दो बार बना करके हम वन चेन लेकर के थ्रेड कट कर लेंगे तो पहले एक्स्ट्रा हम लेके कट कर लेंगे और इसको हम फिर बाद में सेव कर लेंगे अब देखिए हम आर्म होल बनाएंगे चोली मेरी कंप्लीट हो गई है आर्म होल यहाँ से हमें लेना है ये देखिए जो हमने आर्म होल का स्किप किया था वहीं से हमें स्टार्ट करना है रो से अब यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया दो बार बनानी है फिर वन स्किप करेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया दो बार बनाएंगे जैसे हमने नेक में ऊपर किया था सेम वही प्रोसेस से है हमें आर्म होल पर भी करना है बाहों में वन स्किप किया चेन और फिर सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पर दो बार बनानी है एक बार और ये दो बार फिर देखिए सिंगल क्रोशिया वन स्किप करेंगे पहले फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया दो बार बना लेंगे तो ऐसे करके हमें दोनों साइड इसी तरह से प्रोसेस से कंप्लीट करना है हम सिंगल क्रोशिया दो दो बार करके कंप्लीट करेंगे और एक चेन छोड़ते जाएंगे अब लास्ट में हमारे पास एक एक ही चेन है तो हम यहाँ पे एक चेन बनाते हुए ऐसे वन चेन लेके और फिर ये थ्रेड को कट करके सेव कर लेंगे तो हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसको थ्रेड करके नॉट लगा लेंगे ग्रीन को ग्रीन से लगाना है जिससे हमारा ये थ्रेड दिखे नहीं और ऐसे ही प्रोसेस से हम दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए चोली कंप्लीट हो गई है आप चाहें तो प्लेन बना सकते हो या बॉर्डर वाला बना सकते हो दोनों प्रोसेस वही है केवल इसमें बॉर्डर बन गया है तो ये अलग सी लग रही थोड़ी लुक अच्छा लगने लगता है तो आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा कमेंट्स करके बताइएगा जय श्री कृष्णा